स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इन्फोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हरगोबिंद जी परमात्मा में विलीन होना और श्री गुरु हर राय जी गुरु गद्दी स्थापना साखी सुनाएंगे। जब बाबा गुरुदित्ता का निधन हुआ तो धीरमल ने खुद को बाबा गुरुदित्ता का सबसे बड़ा बेटा मानते हुए गुरुगद्दी का असली उत्तराधिकारी होने का दावा किया, लेकिन वह भलीभांति जानते थे कि गुरु हरगोबिंद साहिब उन्हें गुरुगद्दी के लिए योग्य नहीं समझेंगे। इसी उद्देश्य से वह राजा शाहजहां से मिले, लेकिन जब गुरु हरगोबिंद को धीरमल की साजिशों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, धीरमल पृथ्वी का अवतार है। सिखों को धीरमल के धूर्त स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि गुरु उन्हें कभी भी गुरुगद्दी नहीं देंगे। गुरु को बाबा गुरुदित्ता का छोटा बेटा बहुत पसंद था। वह उसे हमेशा अपने पास रखता था। वह उसे अपनी देखरेख में शिक्षा दे रहे थे। गुरु हर राय बहुत मिलनसार लड़का था और था भी गुरबानी के अध्ययन में अधिक समय व्यतीत करना। जब गुरु हरगोबिंद को पता चला कि उनका अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने गुरु हर राय को गुरु गद्दी प्रदान करने का मन बना लिया। उन्होंने गुरु हर राय को उस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त माना। उन्होंने चुने हुए सिखों और मसंदों को कीरतपुर पहुँचने का संदेश भेजा। उन्होंने गुरु हर राय को गुरु गद्दी पर स्थापित किया। उसने उनके सामने 5 पैसे, एक नारियल और ग्रंथ रखा और उन्हें प्रणाम किया। बाबा भाना ने उन्हें एक सुंदर तलवार पहनाई और उनकी पगड़ी पर एग्रीगेट बांधा। तब बाबा भाना ने स्वयं गुरु हर राय को प्रणाम किया। सिखों और मसंदों ने बारी बारी से उनके सामने सिर झुकाया। फिर गुरु मंडली को संबोधित करते हुए हरगोबिंद ने कहा, अब तुम्हें गुरु हर राय को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। गुरु एक प्रकाश है और अब गुरु का प्रकाश गुरु हर राय में विलीन हो गया है। फिर उन्होंने स्वयं गुरु हर राय के सामने सिर झुकाया और सूरजमल, अनी राय और गुरु तेग बहादुर को भी ऐसा करने के लिए कहा। वे भी बारी बारी से आए और उन्हें बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। किसी ने विरोध या बहिष्कार नहीं किया। गुरुगद्दी की जिम्मेदारी गुरु हर राय को तय करने के बाद गुरु हरगोबिंद अपना अधिकांश समय ध्यान में बिता रहे थे। जब परम प्रकाश में विलीन होने का समय निकट आया तो उन्होंने सिखों और अपने रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरी मृत्यु पर रो मत, बल्कि गुरबानी का पाठ करो। एक दिन जब वह गुरबानी का गायन सुन रहे थे तो उनकी रोशनी परम रोशनी में विलीन हो गई। उनका निधन हो गया। अपना कीमती समय निकाल कर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।